सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन अंतर्गत शहीद चौक सतना में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ शहीद हुए जवानों को सतना वासियों द्वारा कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीडीएस कर्नल बिपिन रावत जी के आज आकस्मिक निधन पे आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जनरल रावत साहब और 14 हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में नमन करना चाहूँगा और पुण्य आत्मा को शांति मिले। मैं इस बारे में एक विशेष तथ्य कहना चाहूँगा कि अभी चीन के जो CDS थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ताइवान के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे CDS थे, उनकी भी हेलीकॉप्टर क्रैश में बिल्कुल इसी तरह मौत हुई थी। तो कहीं मुझे लग रहा है कहीं ये चीन का षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि वो भी चीन के खिलाफ लगे हुए थे। कहीं ना कहीं दोनों घटनाएं एकदम मैच, कहीं ना कहीं दोनों घटनाएं बिल्कुल मैच कर रही है। तो मेरा निवेदन है भारत के जो अभी वर्तमान सेना प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री महोदय से कि वो इस चीज़ की गहराई से जांच करें और ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। निष्पक्ष रूप से